शैलेश कुमार यादव का जरूरत से ज्यादा सख्ती बरतने वाला वायरल वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगी। दरअसल दुल्हन के भाई सरबजीत देवदास ने डीएम की कार्यवाही पे जो सवाल अब खड़े किए हैं, वो आपको जरूर सुनने चाहिए। दुल्हन के भाई ने अब फेसबुक पोस्ट पर सच्चाई का खुलासा किया है। उन्होंने शादी का परमिशन लेटर पोस्ट किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि शादी में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही शादी का शुभ मुहूर्त रात 11:30 बजे का था। इसकी पूरी सूचना जिलाधिकारी को पहले ही दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बाद में आकर हंगामा किया। डीएम की कार्यवाही पे सवाल करते हुए सरबजीत ने पूछा है कि बताइए डीएम शैलेश कुमार यादव जी, हमारी गलती कहाँ थी? जब आपने सारे आदेश दे ही दिए थे तो उन कागजात को सबके सामने क्यों फाड़ दिया? अगर अनुमति नहीं थी तो समारोह करने का आदेश क्यों जारी किया? क्या हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करना गैर कानूनी है? क्या शुभ मुहूर्त का पालन नहीं करना चाहिए हमें? इसके साथ ही सरबजीत ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अगर हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं साहब, तो भीड़ के सामने असभ्य भाषा का प्रयोग करना भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार ही है। जहां एक ओर रमेश देवगन जैसे पत्रकारों ने शैलेश कुमार यादव की तारीफ की है और उनकी इस कार्यवाही को उनकी ड्यूटी बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएएस अधिकारियों ने क्या कहा वो भी सुनिए। आईएएस सुप्रिया साहू ने कहा, शर्मनाक मिस्टर डीएम, ये काम करने का सही तरीका नहीं है। आपका अहंकार आपके ईगो को दिखाता है। आपको कानून का पालन कराना पड़ता है, लेकिन विनम्र रहना चाहिए। आईएएस अभिनान शराहन ने कहा, नहीं डीएम साहब, माफ करना, पर ये सही नहीं था। तो वहीं आईएएस शाहिद चौधरी ने कहा, पूरी तरह अनप्रोफेशनल, ये देखकर बहुत बुरा लगा। कुल मिलाकर ज्यादातर आईएएस अधिकारियों ने शैलेश कुमार यादव की कार्रवाई को गलत बताया है। डीएम साहब का वीडियो अब सोशल मीडिया पर ऐसा वायरल हुआ कि अब इनको अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। मेहमानों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हुए, औरतों के साथ बदतमीजी से बात करते हुए इन डीएम साहब ने किसी को नहीं छोड़ा। क्या पंडित, क्या मेहमान और क्या दुल्हन, इन्होंने तो दूल्हे को भी नहीं बख्शा। यहाँ तक कि इन्होंने अपने औहदे का रौब जमाते हुए पुलिस को भी गालियाँ दी। इसके साथ ही उन्हें सस्पेंड करने की धमकी तक दे डाली। किसी को थप्पड़ मारा तो किसी को पुलिस के डंडे मरवाए। दरअसल इस कोरोना काल में नाइट कर्फ्यू के दौरान एक मैरिज हॉल में शादी की पार्टी चल रही थी। ऐसे में जब डीएम साहब को जानकारी मिली कि शादी में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, तो डीएम शैलेश कुमार यादव पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए और मैरिज हॉल में मौजूद मेहमानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पहले तो डीएम ने आधिकारिक आदेश की कॉपी फाड़ी। इसके बाद मेहमानों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकना शुरू कर दिया। पंडित से लेकर खाना खा रहे मेहमानों के साथ भी डीएम ने अभद्रता की। किसी को तमाचा मारा, किसी को गाली दी तो किसी को पुलिस के डंडे लगवाए। इसके साथ ही दूल्हे को भी कॉलर पकड़ के घसीटा। इसके बाद डीएम ने मैरिज हॉल को भी सील कर दिया और यहां तक कि पुलिस को भी गालियां दी और सस्पेंड करने की धमकी दी। लेकिन अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसे में डीएम साहब अब माफी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो सिर्फ कानून का पालन करा रहे थे। लेकिन वो शायद भूल गए कि अपनी ड्यूटी निभाना और ड्यूटी की आड़ में गुंडागर्दी करना दो अलग अलग चीजें हैं। कानून का पालन कराना बहुत जरूरी है, पर इस तरह से बदतमीजी करना कानून का पालन कराना नहीं कहते। उनके माफी मांगने से अब ना तो भीड़ में मौजूद बड़े बुजुर्गों की इज्जत लौटेगी और ना ही दूल्हे का सम्मान।